अरे ग्रैंड सॉन्ग और ओपनिंग ऑप्शन के लिए गाइस, अरे पीछे लग गया सर, वेलकम टू सेंचुरी। I want each and everyone to be a part of it, guys. Can't you have a lot of applause for them? एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए उनके इस स्वागत में। And we should give them each and everyone congratulations to be a new launch in the song. अरे सारा वजह मेरे पे डाल दे। We welcome Mr. Asha and Mr. Mandy on the floor. Welcome. मैं बोलूँ पहले? एक्चुअली दिस इज अ सॉन्ग, एक्चुअली मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूँगी फॉर एवरीबॉडी। ये सॉन्ग का थॉट मेरे दिमाग में आया था सबसे पहले कि मेरे को एक सॉन्ग ऐसा प्रोड्यूस करना है एंड वी वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ वेरी डिफरेंट वे, जहाँ पे पब्लिक लोग को ऐसा लगना चाहिए कि यू नो कि एक डेली लाइफ स्टाइल जो एक इंसान जी रहा है, जो चीज़ें वो करता है, वो चीज़ें हमें डिपिक करके बताना था। जॉनर सॉन्ग का बहुत बहुत नेगेटिव जॉनर है, बट आजकल जैसे आप जानते हैं कि पीपल आर गोइंग थ्रू हार्ट ब्रेक्स, पीपल आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ चीटिंग्स एंड वी हैव सीन इमेंस डेथ्स एंड ऑल। सो मुझे उसको एक बहुत ही खूबसूरत वे में, एक म्यूजिकल वे में यू नो प्रेजेंट करना था। सो मंदीप इज़ अ वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वॉन्टेड हिम टू प्ले द रोल ऑफ द गाय फॉर लॉट ऑफ रीजन्स। तो मंदीप को पूछा, गाना सुनाया, उसको बहुत पसंद आया। फाइनली फिर डायरेक्टर को गाना सुनाया, दैट इज़ प्रवीण। प्रवीण को तो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कॉन्सेप्ट तो उसे एकदम रिलेटेड था। सो आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न दैट द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सॉन्ग वॉज समथिंग दैट हम सब ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। सो इट वॉज वेरी पर्सनल टू अस। और उसको शूट करने में आई थिंक लॉकडाउन में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन आई थिंक इट वॉज मेंट टू हैपन। तो जैसा भी हुआ, आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जैसे ही मुझे राशा जी ने गाना सुनाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद प्रवीण जी का मेरे को कॉल आया था, मैं इनके साथ ऑलरेडी काम कर चुका था, बट ये मेरे को शायद बॉम्बे में ये दूसरा काम था मेरा एज अ सॉन्ग, बट बहुत अच्छा इनके साथ काम करके मेरे को लगा। पहले मैं इनकी बात करता हूँ, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरे को। मतलब ऐसा होता ना कि आप कहीं भी जाओ तो कुछ ना कुछ सीख के आओ, तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं। बाकी अगर प्रवीण जी की बात करूं तो इनका काम मैंने पहले ही ऑलरेडी देख चुका हूं। ही पुल्स आउट ऑफ द बेस्ट पर्सन, बेस्ट ऑफ जो भी आप इनको काम देते हैं। बाकी आप देख ही चुके हैं, इनको चाहे बजट कम दो या ज़्यादा दो, इनका काम हमेशा बेस्ट ही होता है। बाकी माही जी तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं ना मेरा बड़ा भाई हो इनके साथ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है बस। दिस वॉज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था और एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था कि इसको बहुत जल्दी जल्दी करना है, और जहाँ से भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सब लॉकडाउन की वजह से कुछ भी होना मुश्किल था। तो हमने इसको दिल्ली में शूट किया था, बट लोकल कनेक्शंस की वजह से हमने धीरे धीरे करते करते इसको कर ही दिया, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से दिल्ली जाना था, ट्रैवल में भी बहुत मुश्किल था। अगर मैं यहाँ हूँ तो भी ट्रैवल में मुश्किल था, बट फिर भी मैंने कहा चलो करना है तो उसी टाइम पे करना है, अगर मैंने कहा पोस्टपोन किया तो पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं रह पाएगा, तो फिर हमने कर दिया क्लाइंट ऐसे मुश्किल करके। मेरा बताऊँ, मेरे को सिंगिंग का बहुत शौक है, सुनने का, गा तो नहीं सकता हूँ पर शौक है। राशा ने मेरे को एक दिन बताया था कि ऐसा ऐसा गाना है, अपने करते हैं। राशा ने फिर प्रवीण जी से बात करवाई मेरी कि ऐसा ऐसा करना है, मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं। फिर मनी का बताया तो मैंने कहा ऐसा एक्टर फवाद खान जैसा, तो इसको लेके अपने स्टार्ट करते हैं। इंडिया में वैसे ला नहीं सकते पाकिस्तान, तो ऐसे स्टार्ट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। पास्ट प्रोफाइल में इफ़ यू सी, आई हैव डन माई प्रीवियस सॉन्ग ऑल्सो विद प्रवीण ओनली, एंड वो सॉन्ग वन ऑफ द मिलीनियम सॉन्ग्स रह चुका है। सो आई फील कि अगला जो गाना मुझे करने का था वो भी मुझे इन्हीं के साथ करने का था, बट मेरे को जॉनर चेंज करना था। अब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे के भी सारे जॉनर ना रोने धोने वाले ही आने वाले, क्योंकि पब्लिक ने मुझे रोने धोने में कुछ ज़्यादा ही पसंद कर लिया। दे फील मैं बहुत अच्छा रोती हूँ। तो आगे जो हम लोग का प्लानिंग्स है, दैट वी आर नाउ वी आर प्लानिंग इन टू वी आर प्लानिंग द सिल्वर स्क्रीन, वी आर प्लानिंग इन टू मूवीज़। तो अब देखते हैं, मतलब जैसा सिचुएशंस चल रहा है,
कोविड लॉकडाउन की वजह से वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दो, बट एक न्यू ब्रांड इतने बड़े वर्ल्ड में एस्टैब्लिश करना इजी होता नहीं है. सो वी आर टेकिंग अ टीनियस टाइनियस बिट ऑफ स्टेप्स एंड वी आर प्लानिंग फॉर अ बिग बजटेड फिल्म इंशाल्लाह. इफ एवरीथिंग गोज गुड देन आई थिंक बहुत जल्द आप लोग को दोबारा आना पड़ेगा. या एक्चुअली सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे मन में जी म्यूजिक पहले से ही था. मतलब आप लेबल्स का नाम ले लो, लोगों ने बोला तुम टीपे क्यों नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर, पता नहीं एक जी से कनेक्शन था. एंड वी हैड अ लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स वर्किंग विन जी ऑल्सो, उन्होंने भी बोला कि जी विल गिव यू अ गुड दिस थिंग. एंड जी म्यूजिक हैज़ बीन अ डार्लिंग टू अस. मतलब सीरियसली जितना मेहनत हमें कोई और लेबल के लिए करना पड़ा उससे हार्डली कुछ करना पड़ा. दे वर रियली वेरी सपोर्टिव टू अस. उन लोगों ने हम लोग को इतने कम टाइम में, दो डेट चेंज के बाद उन्होंने हमें और एक थर्ड डेट दिया है बिकॉज ऑफ आर इशूज़. एंड आई थिंक आई वुड लव टू गेट एसोसिएटेड विद जी वेरी सून, वेरी सून. मतलब मैं साइन होना चाहती हूँ जी के. एक्चुअली पीजे इसका एक्चुअली बहुत अच्छा स्टोरी है इसके पीछे. आई मेट पीजे एट अ रैंडम हाउस पार्टी जहाँ पे वो गा रहा था. तो वो ना बहुत ही इनोसेंटली साइड में गा रहा था, नोबडी वॉज पेइंग अटेंशन टू हिम. जिस दिन मैंने पीजे को सुना, पता नहीं क्यों मेरे कान में ऐसा लगा कि दिस गाय कैन बिकम अ स्टार. एंड मेरे को ये ऑप्शन चाहिए था कि कोई ये मुझे देखकर बोले कि तुम स्टार बन सकती हो, एंड यू नो दे कुड हैव टेकन मी ऑन अ डिफरेंट लेवल. तो इफ़ आई कुड बी दैट थिंग फॉर पीजे, तो मैंने पीजे को वहाँ से निकाल के माही के सामने लाया. एंड वेन पीजे सैंग इन फ्रंट ऑफ माही, आई थिंक महेंद्र कम्प्लीटली लॉस्ट इट. एंड ही इज़ लाइक गवाना है तो यू नो पीजे के थ्रू ही गवाना है. तो प्रैंकेट डिड अ जॉब विच आई थिंक नोबडी कुड डू. एंड इट्स रॉन्ग अगर मैं उनको बोलूँ कि उनकी आवाज़ अरिजीत से बहुत मिलती है. मैं उनको अरिजीत से कंपेयर नहीं करती. हाँ शक्ल उनकी प्रीतम दा एंड अरिजीत का कॉम्बिनेशन है. आवाज़ उनकी अरिजीत वाली है और हाव भाव एकदम सोनू निगम वाले हैं. तो ही इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड ही इज़ अ राइजिंग स्टार. तो अगर हमें ये मौका मिले कि हम ये राइजिंग स्टार को इंडस्ट्री को दे, तो दैट विल बी अ बिग प्रिविलेज फॉर ऑल ऑफ अस. सो दिस थिंग. एंड शुभम वॉज द गाय हू पुट द मेलोडी टुगेदर. हमारे थोड़े इफ्स एंड बट्स हुए ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे म्यूज़िक को प्यार करने वाले बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे. तो हर चीज़ में हमें ये हुआ कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है, ये ट्यून बदलो, वो बदलो. बट ही व्हेन ही स्ट्रक द मेलोडी, ही स्ट्रक इट प्योर. एंड जो म्यूज़िक निकली आई थिंक वो एकदम दिल से निकली. सो आई थिंक या दे दोस गाइज डिड एन अमेजिंग जॉब. माई टीम डिड एन ऑसम जॉब. सो वी हैव अ मास्टर पीस फॉर यू गाइज. हाँ मेरे को उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था. बहुत ब्रिलियंट सिंगर है. बाकी जो जिन्होंने म्यूज़िक किया है, मैंने वो डायरेक्ट नहीं मिला था उनसे, बट उनके साथ इंस्टाग्राम या बाय वीडियो कॉल उनके साथ रابطہ बना. तो मेरे को उनका स्वभाव बड़ा अच्छा लगा. तो बड़े प्यारे बंदे हैं सब. बहुत ही पावन दिन पर, गणपति बप्पा के आगमन पर ये मुझे लगता है कि म्यूज़िक रिलीज़ हुआ है. तो जी म्यूज़िक को मैं बहुत बधाई देता हूँ जो ऐसे टैलेंटेड. अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हमारे इंडिया के फवाद खान, अब हमें कहीं से पाकिस्तान से कलाकारों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास में खुद के ज़बरदस्त कलाकार हैं. एंड इन्होंने इतना बढ़िया अभिनय तो किया, लेकिन उनके बारे में जो इन्होंने आप लोग शायद जानते नहीं होंगे, ये 16 भाषाएं बोल सकती है. अनुज ने गाया था ना कि 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, 16 भाषाओं वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस को सलाम. तो जी वालों को मैं बधाई देता हूँ कि टैलेंटेड कलाकारों को कंबाइन करके, यूनाइटेड करके ये बहुत ही प्यारा एल्बम आ रहा है. अब हम सब लोग थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं. कोरोना कोरोना कोरोना, दर्द दर्द, परेशानी. अब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, अब हमें अच्छे अच्छे गाने चाहिए, अच्छी अच्छी फिल्में चाहिए. अच्छी फिल्मों की शुरुआत हो चुकी है. एक फिल्म आई थी लॉकडाउन टू अनलॉक, शिमा रोमी पर, जिसमें दिलीप जी ने भी एक्टिंग की है, वहाँ से गणेश आचार्य जी भी है. तो लॉकडाउन टू अनलॉक ये मेरी फिल्म है. तो शिमा रोमी पर तो अब अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है. मैं समझता हूँ कि गणपति बापा जो है सब पे कृपा बरसाए. मैंने सुना कि सोनू सूद साहब भी गणपति बापा, सोनू सूद साहब के घर पे भी गणपति बापा आए हैं. और बापा सोनू सूद से कह रहे हैं कि बेटा विसर्जन में मुझे घर तक पहुंचा देना ठीक से. तो ये इतना अच्छा माहौल बना हुआ है. और अब एक पॉजिटिव वेव जा रही है, और ये थर्ड वेव नहीं आएगी, पॉजिटिव वेव आएगी. और ये गाना मुझे ऐसा लगता है वीडियो देखने के बाद और मेलोडीज देखने के बाद, अभी दिलीप जी से मेरी बात हो रही थी,
कि बहुत दिनों के बाद एक मेलोडियस गाना आया है और इस गाने को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सुपर हिट है, सो आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना वन और कोरोना टू से अपना खुद को संभाल, और क्योंकि आप सब हो इस प्यारे से एल्बम के लाल, तो दुआओं से रहो मालामाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। आइए दिलीप जी, प्यार भरा कही है, प्यार में दर्द है, फील है। मैं एक संगीतकार होने के नाते इतना ही कहूँगा कि अमूमन बहुत कम गाने होते हैं जो हम लोगों को इंस्पायर करते हैं या अच्छे लगते हैं। मुंडे साहब ने जब मुझे फ़ोन किया, कहा कि दिलीप जी एक बहुत प्यारा गाना हो रहा है और उसकी रिलीज पार्टी में आपको आना पड़ेगा, मगर बेटा आज मैं तुम लोगों को यकीन दिलाऊं, बहुत बरसों बाद एक प्यारा सा साफ सुथरा एल्बम देखा मैंने, और जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और सर आप तो वाकई में सराहने के लायक हैं कि इतना, मतलब आजकल क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ की लिमिट आ जाती है पिक्चराइजेशन में, डायरेक्शन में, हर जगह पे, क्योंकि लिमिट यूनिट होना चाहिए वगैरह वगैरह, उसको देखते हुए भी आपने बहुत अच्छा किया। और ख़ास करके मैं इस गाने के संगीतकार को और राइटर को भी बधाइयां दूंगा। अच्छा, गाया किसने ये? कहाँ है सर? आइए, ये भी अपने, अरे भैया ये तो इसके बगैर तो हम सभी अधूरे हैं। आओ बेटू इधर आओ, जीते रहे जीते रहे। तो तू छुपके क्यों खड़ा, तू मेरे साथ काम नहीं करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बेटा देखो यही मौका होता है, ये शोभा है, आप इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जीते रहो। आप भी मेरे पोते की तरह, मेरा पोते का म्यूजिक सुना है कि नहीं? जी जी, बाला ओ बाला जी जी। तो यार अभी क्या है कि एक बात मैं आप लोगों को, मीडिया को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हमारे साथ जो यंग लड़के आ गए हैं, वाकई में ऐसा नहीं लगता है कि इन लोग संगीत नहीं जानते, मेलोडी भी जानते हैं, राइटर लोग शायरी भी जानते हैं, और मैं समझता हूँ 2021 का ये सबसे बड़ा गाना होने वाला है। क्या बात, ये मेरी दुआएं नहीं, मतलब जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से आपने मीडिया बुलाई है, इतने भोंपू लगाए, कमाल भोंपू है, और अगर इन सालों में मैं छप गया तो कमाल हो जाएगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि देखिए, कितना ही अच्छा गाना हो, कितना ही मेलोडी हो, जब तक मीडिया का, प्रेस का प्यार नहीं मिलेगा तो कोई सुपरस्टार नहीं बनता, क्योंकि जितने भी आज तक स्टार बने वो आप लोगों की दुआओं से बने। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अभी जितने प्यार से जमा हुए हो, इन मेरे सुपरस्टारों को एक्सपोज कीजिए, इनको इतना आगे बढ़ाइए कि जैसे हमने दिल में बोला है कि सुपर हिट नहीं, महा सुपर हिट होगा, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ, शुक्रिया, जी को भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जी जब भी कुछ लाता है तो कुछ नया लाता है, और इस बार तो उसने काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लाया, मतलब संगीतकार भी प्यारा लाया, सिंगर भी लाया, और साथ में हीरो हीरोइन भी, डायरेक्टर भी एक बहुत, आप तो यकीनन मुझे कई कई जगहों पे तो यश जी की याद आने लगी थी। क्या बात, वो डर एक फिल्म थी ना, डर, जी सर डर थी, हाँ जी, शाहरुख खान वाला, हाँ जी, वो अंदाज आप कर रही थी, बहुत अच्छे साहब, मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाइयाँ, नमस्कार, ठीक। अच्छा मैं ही बोल गया सारा, नहीं नहीं, आपका हक है, आपको तो हक है, अब इनको भी तो बोलेंगे, हुए नहीं आपके आगे बोलने वाले, नहीं नहीं बेटा, फोटो वोटो खींचेंगे ना, फोटो वोटो खींचेंगे, इन लोग खींच लो, नहीं थोड़ा सा आगे आगे।